वेलकम टू आवर चैनल बीएचयू पाठशाला। आज हम लोग जिस टॉपिक पे पढ़ने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो दिल्ली सल्तनत का है। बेसिकली दिल्ली सल्तनत में हमें स्टार्टिंग से अगर हम देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत के पहले की जो पृष्ठभूमि है उसको अगर हम देखें तो 712 मीर कासिम के आक्रमण से शुरू हो रहा है। ठीक, तो इसमें हमें ये देखना है मीर कासिम का आक्रमण, मोहम्मद बिन गजनी का आक्रमण, फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 1206 से 1526 का जो पीरियड है इसमें हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के काल का पीरियड है। और दूसरी चीज़ ये इसमें देखना है कि जो 1206 चल रहा है इस समय राजधानी जो है वो लाहौर केंद्रित है। ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश के शासन से राजधानी जो है वो दिल्ली स्थापित हो जाती इसलिए। और दूसरी बात ये है कि वास्तविक दिल्ली सल्तनत की बात करें या दिल्ली में शासन की जो अस्थायी तत्व दी गई या वास्तविकता की बात की गई तो वो इल्तुतमिश के शासन से की गई, इसलिए इस शब्द को ज़्यादा फोर्स किया जाता है कि इसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जाने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, इसमें मोस्टली ये ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो ओवरऑल हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, किन किन शासकों के बारे में ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी रहेगा, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो सीधा नहीं पूछा जाएगा, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो कन्फ्यूज करके पूछा जाएगा या ऐसे सीरीज करके दे देगा कि आपको समझना पड़ेगा, कि जिसने प्रॉपर किताबें पढ़ी हो या किताब के पैरा पढ़े हो उनके बीच से भी क्वेश्चन पूछता है तो वो अच्छे से इसको समझ सकते हैं। हम लोग दिल्ली सल्तनत का जो आज ये क्लास ले रहे हैं इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी भी डायनेस्टियाँ हैं, ठीक है, डायनेस्टियों के ऑल ओवर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उस बात को ध्यान में रख के मैं आज पढ़ाऊँगी। दूसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि बाकी तो आपको जितनी इन्फॉर्मेशन या जो जो चीज़ें हुई हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो सब तो आपको नोट्स में मिल ही गया है और वहाँ से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। और जो दिल्ली सल्तनत का स्पेशली क्वेश्चन जोन का जो हमने PYQ दिया है उसको आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आप खुद देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहे हैं वो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ी चीज़ जो मैं ये बता दूँ, इसमें आप दिल्ली सल्तनत पढ़ने से पहले इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं मोस्टली इस पोर्शन से जो किताब इम्पॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं वो इस पीरियड में लिखी गई जितनी भी इम्पॉर्टेंट बुक हैं उनके जो मतलब दरबारी कवि होते थे, इतिहासकार होते थे, वो किताबें लिखा करते थे, उनके बारे में वर्णन किया करते थे, कुछ अलग अलग टर्म यूज किया करते थे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है क्योंकि दिल्ली सल्तनत से मोस्टली ऐसी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। और दूसरी चीज़ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रही है कि किताबों के नाम दे देंगे, ऑथर के नाम दे देंगे, मिलाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन एक ही रहेगा लेकिन एक ही क्वेश्चन में आप देखेंगे कि चार क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑथर के अलग अलग बुक आपको मैच करने होते हैं। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर एक ही ऑथर के बुक के नाम पूछे जाएंगे तो भी आप अप्रॉक्स सही कर लेंगे, लेकिन जब चार पूछे जाते हैं उसमें से दो आते रहे, दो ना आते रहे, एक आता रहे, तीन ना आता रहे, तो ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए बेसिकली इस टाइम पीरियड में जो भी बुक्स लिखी गई हैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करिएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट है जितना भी डिपार्टमेंट बना है, इस चीज़ को मैं इसलिए स्पेशली बता दे रही हूँ क्योंकि अभी जब हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ देखेंगे कि जो जितने भी रूलर हैं वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट बना रहे हैं। जैसे हम लोग बलबन का टाइम पीरियड देखेंगे तो बलबन अपने टाइम पर दीवाने अर्ज बना रहा है, दीवाने वरीद बना रहा है, अर्ज सैनिक के लिए बना रहा है और वरीद जो है वो गुप्तचर स्पाई सिस्टम को डेवलप करने के लिए बना रहा है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कि मोस्टली ये किसके टाइम पीरियड में हो रहा है, बलबन के टाइम पीरियड में हो रहा है, इससे बलबन से पहले इस चीज़ पे किसी ने वर्क नहीं किया था, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टाइम तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि बलबन से पहले स्पाई सिस्टम को किसी ने डेवलप नहीं किया है और बलबन से अगर हम लोग पहले देखेंगे तो इल्तुतमिश का जो काम हुआ है उसने काफ़ी कुछ काम किया है।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसने जब भी जब दिल्ली सल्तनत में उसने अपनी राज्य की स्थापना की तो सेंटर लाहौर रखा। दूसरा चीज़, उसके आकस्मिक मृत्यु, मतलब चौगान खेलते वक्त उसकी मृत्यु हुई थी, तो उस वक्त जिस समय उसकी मृत्यु हुई जिन परिस्थितियों में उसको इतना ज़्यादा कार्य करने का मौका नहीं मिला था, तो उसकी मृत्यु आकस्मिक थी। ऐसा नहीं था अगर हो सके वो जीता तो बहुत सारे कार्य करता, लेकिन उसकी मृत्यु आकस्मिक होने के कारण उसके शासन में जो भी काम हुए हैं वो बहुत सिमट गए हैं। बस उसने 2-3 विद्रोह करके या मतलब राजस्थान के जिन क्षेत्रों में साम्राज्य विस्तार किया है बस वही कार्य किया है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दूसरा चीज, चलिए हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत में जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टियां रही हैं वो कौन कौन सी रही हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो अलग अलग डायनेस्टी रही है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पूरा एक नाम मिला है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में अगर हम लोग देखें तो मोस्टली इस समय जो राजधानी रही है वो दिल्ली केंद्र रही है, ठीक है, इसलिए इसको और भी ज्यादा कहा जाता है दिल्ली सल्तनत रहा। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि दिल्ली सल्तनत के शासन पीरियड हम लोग 1206 से 1526 की बात करें तो इस जो ये कालखंड है, जो ये टाइम पीरियड है, इसमें अलग अलग डायनेस्टी शासन कर रही है, जैसे गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, और सैयद हो गया, और लोदी हो गया, ठीक। ये 5 अलग अलग डायनेस्टियां हैं, लेकिन अब इम्पोर्टेंट ये है कि गुलाम वंश की अगर हम बात करें, हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, गुलाम वंश की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड चला है 1206 से 1290 चला है, ठीक। इस गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहा गया है। दूसरी चीज, गुलाम वंश इसे जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, अब बहुत सारे हिस्टोरियन का भी ये मानना रहा है कि इसको गुलाम वंश कहना उचित नहीं है, इसलिए क्योंकि इसके जो भी शासक हुए हैं वो गुलाम नहीं है, सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के और इल्तुतमिस को छोड़ के। दूसरी बात ये है, और बलबल को छोड़ के, दूसरी बात ये इम्पॉर्टेंट है इसमें कि जो भी शासक बना है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के हम बात करेंगे, जो भी शासक बना है अपने शासक बनने के पहले ही वो अपने गुलाम से मुक्ति पा लिया है, अपनी खलीफा से, अपने ऊपर जो भी ऑनर रहा है उसका, उसने उससे मुक्ति पा ली है, तो वो अब एक गुलाम नहीं रहा है, इसलिए इसको गुलाम वंश भी कहना उचित नहीं रहा है। दूसरी चीज ये इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जब अब हम गुलाम वंश की बात करें, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, तो इसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी बात करेंगे, तो अब हम गुलाम वंश को लेकर चल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज इसमें ये देख लें कि इसमें हम लोगों ने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिस, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, जो ये टाइम पीरियड है इसकी हम बात कर लें, ठीक। तो इनमें नसरुद्दीन मोहम्मद, गयासुद्दीन बलबन और कैकुवाद का टाइम पीरियड है। इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहा है, और इसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हो रही, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट रही है वो, अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर लें, तो ये किस वंश से रहा है, ये कुतुबी वंश से रहा है, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है, क्योंकि गुलाम वंश तो हम ऑल ओवर सबको कह दे रहे हैं, इसमें अलग कुतुबुद्दीन ऐबक का अलग रहा है, बलबन, आराम शाह, इल्तुतमिस, बलबन आराम शाह इनका ही पुत्र रहा है, इल्तुतमिस के शासन के बाद रजिया इनके उसमें आ रही है, और फिर बहराम शाह आ रहा है, ये 3 अलग हो जा रहे हैं, और नसरुद्दीन महमूद का भी देख लें, इसके बाद गयासुद्दीन बलबन अपनी अलग स्थापना कर रहा है प्रशासन का, जिसमें कैकुवाद आ रहा है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। ये 2 अलग, ये अलग, ये अलग, ये 3 डायनेस्टियां आप देख रहे हैं जो अलग अलग हैं, ठीक, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली चीज जो हम बात कर लें, ये कुतुबी है, कुतुबी वंश, ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो यही 1206 से 1210-11 चला है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आराम शाह का कुछ टाइम पीरियड है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इल्तुतमिस और रजिया सुल्तान, बहराम शाह की बात करें, ये शमसी वंश है, शमसी वंश है, ठीक, और इसके बाद बात करेंगे गयासुद्दीन बलबन और कैकुवाद की, तो इनका, इनकी जो डायनेस्टी है बलबनी वंश, ठीक,
इस चीज को आपको आप ध्यान में रखिए, गुलाम वंश में 3 डायनेस्टियां हैं, एक कुतुबी वंश है, एक शमसी वंश है और एक बलबनी वंश है, ठीक। इस ये मैं इसलिए इस बात पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि इसके बीच में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या आरक से पूछ लिया गया कि शमसी वंश के कौन से शासक रहे, 4 नाम दे दिया जिसमें से एक मान लीजिए बहराम शाह को हटा दिया गया या रजिया सुल्तान को हटा दिया गया, तो आप बताएंगे कैसे कि कौन 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 से हैं, उसमें कौन कौन से जो मेंबर हैं वो इसी डायनेस्टी के रहे हैं, तो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मोस्टली ये क्वेश्चन पीजी में पूछ सकते हैं, तो इस चीज़ क्योंकि जो भी मेडाइवल पढ़ के आ रहे हैं उनको इस चीज़ के बारे में अच्छी सी नॉलेज है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट रही है, अब हम बात कर लें कुतुबुद्दीन ऐबक की। आई थिंक आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जो भी नोट नहीं किया है वो कर ले, और बाकी पीडीएफ में तो इस चीज़ को मैंने अच्छे से बताया हुआ है, तो आप अच्छे से वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए तो अब हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1206 से 1210 में रहा है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इसको मतलब चंद्रमा का स्वामी कहा जाता था, और ऐबक का अर्थ है मतलब ऐबक का तुर्की में जो अर्थ निकलता है इसका मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है इस कुछ ऐबक को तुर्की भाषा में कहा जाता है, तुर्की ऐबक का अर्थ होता है तुर्की भाषा में चंद्रमा का स्वामी। दूसरी चीज़, अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसने कौन सी उपाधियाँ धारण की, तो इसने सिपे सालार की उपाधि धारण की थी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट रही है, इसको मोहम्मद गौरी ने काजी से खरीदा था, और उन जिनका नाम था अब्दुल्ला अजीज कोकी। कोकी से खरीदा था, ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं पॉइंट वाइज बता दे रही हूँ ताकि आपको लिखने में ज्यादा सा दिक्कत ना हो, ठीक है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, फिर गौरी ने इनसे खरीदा था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो ये है, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है, चंदावर का युद्ध हो जाता है, तो 1206 में आप देखेंगे कि जब गौरी की मृत्यु होती है तो गौरी ने अपने साम्राज्य का विस्तार जितना भी कर पाया था भारत और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, उसने अलग अलग क्षेत्रों में गवर्नर अपॉइंट किए थे, ठीक है। तो जो लाहौर और राजस्थान का जो क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी भारत का जो क्षेत्र है, यहाँ पे अपॉइंट किसे किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को किया गया था। तो जब गौरी की मृत्यु होती है तो ये लोग जितने भी गवर्नर हैं ये अपने अपने ही क्षेत्र में अधिकार कर ले रहे हैं, इस चीज़ को आप अच्छे से जान लीजिए। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में ग्रहण कर लेते हैं और वहीं पे परमानेंटली अपना प्रशासन चला रहे हैं एज अ फ्री रूलर बन के, ठीक है। बाद में लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी माफी गुलाम से जो मुक्ति है वो पाया था गौरी के पौत से, और ये 1208 में मिलता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट रही है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना है, वो ये चीज आपको पढ़ना है कि इसने क्या क्या एस्टेब्लिशमेंट किया है, क्या क्या स्थापत्य में निर्माण कराया है। जैसे अगर हम लोग देखें तो कुतुब मीनार की शुरुआत इसने की थी और पूरा इज्जुतम इसने किया है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट ये रही है कुतुबुद्दीन ऐबक को लेके कि इसने जिन जिन क्षेत्रों में दान किया है, अपनी उदारता का परिचय दिया है, इस कारण इसको लाख बख्श की भी उपाधि दी गई है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लाख बख्श का मतलब है लाखों का दान करने वाला, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, लाख बख्श का मीन्स जो है वो लाखों का दान करने वाला है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट ये रही है कि इसने मतलब ये प्रॉपर क्या करता था कि ये बहुत मीठी और सुरीली आवाज में कुरान का पाठ करता था, इस कारण इसको कुरान खा भी कहा गया है, ठीक। कुरान खा कहा गया है।
तो कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज़ ऑल ओवर जो इम्पोर्टेंट रही है उस चीज़ को हमने डिस्कस किया है। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट ये रही है कि ऐबक की जब मृत्यु हुई थी तो उसको दफनाया कहाँ गया है, तो इसको लाहौर में दफनाया गया है। ठीक, लाहौर में दफनाया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट रही है, इसने किन किन बिल्डिंगों का निर्माण कराया है, ये आगे चल के हम देखेंगे कि यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, बट इसने जो जो भी स्थापत्य का निर्माण कराया है, जैसे कुतुब मीनार हो गया और अढ़ाई दिन का झोपड़ा हो गया, और दूसरी चीज़ अढ़ाई दिन का झोपड़ा से पहले वो कौन सा स्थान रहा है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है उससे पहले वहाँ विग्रह चतुर्राज का मंदिर, एक नए संस्कृत विद्यालय स्थापना कराई थी, और उस मंदिर में हरिकेल के नाटकों का वर्णन है, ये चीज ध्यान रखिएगा, हरिकेल। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अढ़ाई दिन के झोपड़ा जिस इमारत पे स्थापित हुई, उस इमारत में किस नाटक के साक्ष्य मिले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि हरिकेल नाटक के मिले हैं। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट रही है, वो हरिकेल किसकी रचना रही है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, और जो स्थापित रहा है वो विग्रहराज चतुर्थ का था, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज इम्पॉर्टेंट है, अब हम आराम शाह की बात कर लें, तो आराम शाह को बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं मिला है, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इनको आराम शाह गद्दी पे बैठता है, जिसको 1211 में, ठीक है ये 11 कर लीजिएगा, 1211 में इल्तुतमिस ने हटाकर इसको अपना शासन स्थापित किया था, और इल्तुतमिस को शासन पे आमंत्रित करने के लिए दिल्ली के जो अमीर थे उन्होंने आमंत्रित किया था। ठीक है, इससे पहले ये बदायूं का गवर्नर था, इस चीज को ध्यान रखिएगा, तो बहुत ज्यादा इनको टाइम नहीं मिला है। ठीक, तो इनका टाइम पीरियड काफी छोटा रहा है, ये प्रॉपर जो टोटल मंथ का अगर हम बात करें तो ये केवल 8 महीने ही शासन किए हैं। ठीक है, आराम शाह का जो टाइम पीरियड रहा है वो बहुत छोटा रहा है, वो 8 माह तक का ही रहा है। इसके बाद आप बात करेंगे कि इल्तुतमिस की बात करेंगे, जो 1211 में अपना शासन स्थापित कर रहा है। ठीक, दूसरी चीज़ इल्तुतमिस की बात कर लें, तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इल्तुतमिस ने ही दिल्ली के जो वास्तविक स्वरूप है, दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक स्वरूप है, वहाँ के शासन प्रशासन को सुदृढ़ किया है, तो इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिस को ही माना जाता है, इसको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, इस चीज को ध्यान रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इल्तुतमिस ने अपनी उस सोच का परिचय दिया है, जैसे उसने अपना जो उत्तराधिकारी है वो एक मेल पर्सन को ना चूज करके एक फीमेल पर्सन को चूज किया है, तो ये तुर्की शासन या आप ये कहे कि रानी सभ्यताओं के विरुद्ध एक अलग पहल थी, विरुद्ध नहीं कह सकते लेकिन उनके पैलर में अगर देखें तो एक अलग एक नई सोच उभर के सामने आ रही है, जो इस्लामी कल्चर को सामने अलग करके देखती है, क्योंकि इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इससे पहले ना हम सेंट्रल एशिया की बात कर लें चाहे गल्फ कंट्री की बात कर लें, वहाँ कहीं भी कोई फीमेल रूलर नहीं मिली है, लेकिन इल्तुतमिस ने अपने शासन काल में ही रजिया को अपना उत्तराधिकार घोषित कर दिया था, रजिया को अपना उत्तराधिकार घोषित किया था। दूसरी चीज ये थी कि कोई भी शासक अपने सिक्कों पे अपने पुत्री का चित्रण नहीं कराता था, ना उसका नाम उल्लेख कराता था, लेकिन जब इन्होंने ग्वालियर विजय किया था इल्तुतमिस ने, ग्वालियर विजय के टाइम पे इसने जो सिक्के प्रचलन में कराए उस पे रजिया का नाम मेंशन कराया, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि कई बार ये रजिया को लेके पूछा गया है कि इल्तुतमिस ने ग्वालियर विजय के बाद सिक्कों पे किसका अंकन कराया, तो खुद का नाम आ सकता है और उसके और भी पुत्र महमूद शाह का, मोहम्मद का नाम आ सकता है, बाराम शाह का नाम आ सकता है, नसरुद्दीन मोहम्मद का नाम आ सकता है, रजिया का नाम आ सकता है, तो अगर आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़े हैं तो आप बेसिकली तुरंत बता देंगे कि रजिया का नाम मेंशन कराया है ग्वालियर विजय के बाद। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट रही है, इल्तुतमिस ने जिन चीज़ों को स्टार्ट कराया है उसने ये 40 अमीरों का दल किया है, इसे
चहलगानी कहा भी गया है और तुर्काने ये चहलगानी कहा गया है इसे। इसमें 40 मेंबर का इसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ये वही दिल्ली के अमीर थे जिन्होंने इल्तुतमिश को बुलाकर उसे शासन स्थापित करने के लिए कहा था। दूसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत में अब आप देखेंगे कि इन्हीं 40 अमीरों की जो इम्पोर्टेंस है वो इक्वल टू नवाब हो जाएगी, बादशाह हो जाएगी या शासक जो भी है वो सुल्तान के सनरूप हो जाएंगे। ठीक है, सुल्तान के अकॉर्डिंग ही पावर है और इनका मेन काम क्या हो जाता है कि ये सुल्तान को कंट्रोल करने लगते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इनके ही अकॉर्डिंग जो है ये दिल्ली सल्तनत का जो शासन प्रशासन है उसे सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये अपना जो पूरा मूल नियंत्रण है वो सुल्तान पर रखने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि ये 40 तुर्काने चहलगानी की स्थापना तो इल्तुतमिश ने कर दी लेकिन ये आगे चल के गयासुद्दीन बलबन जो कि इन्हीं 40 अमीरों में से एक अमीर होता है आगे चल के आप देखेंगे अमीर बनता है तो इसने इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया। क्योंकि अब जब बलबन की बात करेंगे तो बलबन ने किस तरीके की किंगशिप की थ्योरी दी है वो इम्पॉर्टेंट रही है। और दूसरी चीज़ बलबन ने ये बताया है कि जो राज्य का सर्वोच्च पर्सन है वो सिर्फ सुल्तान है और सुल्तान जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया है, उसका कोई सगा संबंध ही नहीं है और वो सबसे ऊपर है। मतलब उसने ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि जो 40 अमीर हैं जो सुल्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो उससे बहुत नीचे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ऑल ओवर सबसे ऊपर जो है वो सुल्तान है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो गयासुद्दीन बलबन ने ये चीज़ बताया है इसलिए इसने सबसे पहले जब शासक बनता है 1265 में तो इसने क्या किया कि सबसे पहले सुल्तान बनने के साथ ही इसने तुर्काने चहलगानी का पतन कर दिया, उसको हटा दिया, उसका डिस्ट्रॉय करा दिया। क्योंकि इसलिए क्योंकि उसको ये बात समझ में आ गई कि ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू शासक को कंट्रोल किया जा रहा है और ये जब खुद शासक था तो इसने नसरुद्दीन महमूद को कैसे कंट्रोल किया था, चूंकि ये सुल्तान था लेकिन सुल्तान के जितने भी पावर होते थे ऑल ओवर सुल्तान बनने से पहले, इनफैक्ट अगर हम कह सकते हैं तो 1246 से ही बलबन जो है वो इनका यूज करता है। ठीक है, ये उसके टाइम पीरियड में वजीर बन जाता है और चूंकि इसका एक रिलेशन होता है कि ये इसका दामाद होता है। ठीक है, इसने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद से कर देता है और ये एक बहुत सीधा साधा बिहेवियर का पर्सन है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हालांकि आगे चल के ये इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी हम इल्तुतमिश को डिस्कस कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखें। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट इनकी ये रही है कि इन्होंने शुद्ध सिक्के चलाए हैं। शुद्ध सिक्कों का प्रचलन इन्होंने ही कराया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि इल्तुतमिश ने सुल्ताने सईद और गुलामों का गुलाम और मकबरों का पितामह कहा जाता है इसे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ी सी चीजें इरेज कर दे रही हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहा जा रहा है। सुल्ताने सईद गुलाम मकबरे का पितामह कहा गया है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बारे में और ये कही गई है कि हम लोग तराइन के युद्धों की बात करते हैं तो तराइन का पहला युद्ध दूसरा युद्ध इधर ले लें तो तराइन का पहला युद्ध वन में 92 में हुआ। ठीक है, ये तराइन के दो युद्ध रहे हैं और दोनों मोहम्मद बिन गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई है। लेकिन तराइन का तीसरा युद्ध भी, ये तीनों लगातार पूछे जाते हैं, जैसे हम पानीपत के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध की बात करते हैं वैसे ही तराइन के युद्धों की बात कर लें तो तराइन का तृतीय युद्ध जो हुआ है वो 1216 में हुआ है
और 1216 में हुआ है, किसके किसके बीच में हुआ है, तजुद्दीन एल्दोज, ठीक है, तजुद्दीन एल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में हुआ है। दूसरी चीज, इसी टाइम हम लोग देखेंगे कि जो मंगोल आक्रमण हो रहे हैं उसमें जो मंगोल आक्रमणकारी का जो पितामह है, या एक तरीके कह सके कि जिनके कारण मंगोल फेमस हुए, चंगेज खां, ठीक है, वो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में ही मंगोल में है, इस चीज को ध्यान में रखना है। चंगेज खां और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट रही है कि इस समय जो चंगेज खा रहा है ये अपने आप को बहुत खूंखार था, और दूसरी चीज इम्पोर्टेंट ये रही है कि ये अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहा करता था, बहुत मतलब गर्व से कहा करता था कि मैं कहर हूँ, विश्व का मैं कहर हूँ, ईश्वर का अभिशाप हूँ, ऐसे विभिन्न उपाधियाँ लेता था, खुद से कहता था, ताकि इससे लोगों के मन में डर हो जाए। एक मतलब इनके बारे में एक बात प्रचलन है, जैसे जब इल्तुतमिश, अरे जब चंगेज खां की इतनी ज़्यादा उसके एरिया में दहशत थी कि जब ये मरा तो किसी को ये नहीं पता चला कि चंगेज खां मर गया है, और लगभग 10 से 15 सालों तक इसके साम्राज्य में कहीं भी विद्रोह नहीं हुआ, कि क्योंकि आप देखिए इतनी ज़्यादा दहशत थी कि चंगेज खां के नाम पे ही कभी विद्रोह नहीं हुआ, और लोगों को ये नहीं पता था कि चंगेज खां मर गया है। और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है, चंगेज खां मरा तो कब मरा ये नहीं पता है, उसको कहाँ दफनाया गया ये नहीं पता है, किन लोगों ने उसको दफनाया उनको ये नहीं पता है, क्योंकि जिन लोगों ने उनको दफनाया उनको भी हटा दिया गया, उनको भी मौत के घाट उतार दिया, ताकि लोगों को ये ना पता चले कि चंगेज खां कहाँ दफनाया गया है, क्योंकि जो लोग दफना के आए उनको भी मृत्यु के उसमें उतार दिया गया था। तो आप ये सोचिए कि इतना खूंखार इंसान का जो टाइम पीरियड रहा है वो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में रहा है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट रही है, जो चंगेज खां इनके टाइम पीरियड में आक्रमण करने आया था, इसने जो सुल्तान उस समय जो खलीफा थे, खलीफा के पुत्र मांग बर्नी का पीछा करते करते ये सिंधु नदी के किनारे आ गया था, और मांग बर्नी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी कि वो चंगेज खां के विरुद्ध उसकी सहायता करे। तो इल्तुतमिश, आप देखेंगे कि नया नया शासक बन रहा है, वो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहा है, उसने सीधा हाथ जोड़ लिया कि नहीं, मैं मांग बरनी की सहायता नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि अगर वो मांग बरनी की सहायता कर देता तो ये चंगेज खां जितना आप कह सकते हैं कि जो आरडीएक्स है उसके पूरे साम्राज्य में आके पूरा साम्राज्य तहस नहस कर देता। तो जिस दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे हैं, फिर हो सके उसका जो नामकरण है वो भी शायद खत्म ही हो जाता। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि उस समय इल्तुतमिश ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, और इसने मांग बरनी की सहायता ना करते हुए चंगेज खां से अपने साम्राज्य की सुरक्षा कर ली, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है, ये हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड में देख रहे हैं, बख्तियार खिलजी ने नालंदा, बिहार के साइड में देखेंगे, नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटियों को जला देता है, ठीक है। उसी टाइम आप देखेंगे कि इल्तुतमिश जो है इसने उत्तर भारत में बिलासपुर और उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर जो है उसको लूटा था और उसको तोड़ दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसे हम एक तरीके से हिंदुओं के प्रति सहिष्णु नहीं, हिंदुओं के प्रति उदार नहीं कह सकते हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि इन्होंने भी लूटपाट मचा रखी थी, जस्ट इससे पहले आप देखेंगे गौरी ने भी कितना लूटपाट मचाया, और गौरी से पहले आप उनके पूर्वज की बात कर लें तो मोहम्मद बिन गजनी आ रहा है, गजनी ने भी जो जो कितनी बार आक्रमण करके लूटपाट काम किया है। तो ये दिल्ली सल्तनत के शासकों का एक मोटिव बन गया था कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो भी समृद्ध क्षेत्र हैं वहाँ पे आक्रमण करके लूटपाट करना है, ठीक। तो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट रही है, और इल्तुतमिश के बारे में देख लेते हैं कि कुछ और इनके जो भी एरिया हैं, जैसे 1226 में इसने रणथंभौर पे विजय प्राप्त की थी। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने मदरसा ये नसीरी की भी स्थापना की थी, एक मदरसा की स्थापना की थी, मदरसा ये नसीरी की स्थापना की थी। और दूसरी चीज इसी मदरसा ये नसीरी में आप देखेंगे कि मिन्हाजुस्सिराज जो है, मिन्हाजुस्सिराज को इन्होंने शिक्षक के पद पे रखा,
मिन्हाज ए सिराज की बुक के नाम जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। इस चीज़ पे मैं आपको पहले बता दूँ कि मिन्हाज ए सिराज की जो बुक का नाम है वो आप बिल्कुल अच्छे से रट लीजिएगा। और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट ये रही है कि इनके टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि मिन्हाज ए सिराज एक शिक्षक के बतौर पद पे हैं, लेकिन रजिया ने इनको इसी विद्यालय का प्रधानाचार्य बना देती है। तो अब ये बात देख लें कि 1236 में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद का जो शासक है वो कौन बन रहा है, वो इनके पुत्र बन रहे हैं। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट रही है इल्तुतमिश को पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था और अल्तमस भी इसको कहा जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ इनके इम्पोर्टेंट में अस्थापत का भी मैं बता ही दूंगी क्योंकि उस पेज पे इल्तुतमिश से ही लिखा गया है, इल्तुतमिश से ही लिखा गया है तो इससे दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट रही है इन्होंने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे और उसकी जो ग्रेन थी वो 175 तांबे का था, 175 ग्रेन तांबे का था। दूसरी चीज और बामियान जाते हुए ही इल्तुतमिश बीमार पड़ा था, जो 1236 में इसकी मृत्यु हो रही है, तो बामियान को याद रखिएगा, बामियान है। बाकी स्थापत्य कला के बारे में इनको बताया जाएगा। और दूसरी चीज इम्पोर्टेंट ये है कि रजिया सुल्तान के बारे में बताया जाता है क्योंकि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकार जो है वो रजिया को पहले ही घोषित कर देता है, ठीक है, क्योंकि उसके बड़े पुत्र महमूद की मृत्यु हो जाती है। और दूसरी बात ये रहती है कि उसने रजिया के अंदर वो क्वालिटी देखी थी जो एक सुल्तान में होनी चाहिए, ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट ये रही है कि रजिया की जो माँ है उन्होंने अपने बेटे को शासक बनाने की कोशिश की थी परंतु वो बना नहीं पाती हैं, और रजिया रुकबुद्दीन फिरोज को गद्दी पे बैठाती हैं इनकी माँ शाह तुर्काना। तो यहाँ पे रुकबुद्दीन फिरोज के बारे में ही बताया गया, वो भी 7 महीने शासन कर रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है रजिया के बारे में कि रजिया के बारे में जब शासन हो रहा है पहली बार दिल्ली की जनता ने फैसला किया था। ये दिल्ली सल्तनत की बात करें या हम मुगल की बात करें तो इनके इतिहास काल की बात करें, इस इतिहास काल में पहली बार दिल्ली की जनता को फैसला करने का ऑफर दिया गया था। और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि रजिया बाकायदे दिल्ली सल्तनत में उस काल में ये कहा जाता था कि जिनको भी न्याय चाहिए होता था वो शुक्रवार की नमाज के बाद लाल वस्त्र पहन के न्याय की मांग करते थे, ठीक है, तो रजिया ने बाकायदे लाल वस्त्र को धारण करके और आम जनता जब नमाज पढ़ के निकलती है तो उससे न्याय मांगती है कि बताइए, मतलब इल्तुतमिश ने उसे शासन उत्तराधिकार घोषित किया है तो रुकबुद्दीन फिरोज शासक क्यों बना। रुकबुद्दीन फिरोज के शासक बनने का पीछे जो रीजन रहा है वो उसकी माँ शाह तुर्काना थी क्योंकि वो एक बहुत डोमिनेटेड महिला थी। और दूसरी चीज वो खुद के पुत्र को शासक घोषित करके खुद को उसकी संरक्षिका घोषित कर ली थी, तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज इम्पोर्टेंट ये है कि रजिया में अब हम वो सारी क्वालिटी देखेंगे कि जो एक शासक के अंदर में है जो इल्तुतमिश को दिखी थी, शायद इसी वजह से यही रीजन रहा है कि इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकार घोषित किया। दूसरी चीज़ ये इम्पोर्टेंट है, रजिया अब शासक के बतौर शासक के पद पे आ गई 1236 में। और दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट, इसने पुरुषों के तरीके से वस्त्र धारण करने शुरू किए। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट इनके बारे में ये भी रही है कि इसने जो कूबा और कूल्हा कूल्हा, ठीक है, ये पुरुषों के उस समय कपड़े होते थे, इसको धारण किया, इसने महिलाओं के वस्त्रों का परित्याग किया। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट ये रही है कि रजिया के बारे में जो बताई जाती है कि ये एक एबिसिनियाई दास था जलालुद्दीन याकृत को अमीर आखुर के पद पे रहती है। ये एक आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई फ्रेंड जोन या किसी से क्लोजनेस हो और वो हमें ये पता रहे कि वो बतौर रजिया को सुल्तान के पद पे सपोर्ट करता था और
जब कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती थी उसको फेस करने से पहले जो प्रॉब्लम होती थी, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या रीजन, इन सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन याकूत देता था। और इसको किस पद पे रखा गया था? अमीरे आखुर। अमीरे आखुर एक ऐसा पद था जिसपे अश्वों की, घोड़ों की देखभाल की जाती थी, क्योंकि युद्ध में जो घोड़ों का महत्व होता था। और दूसरी चीज़ ये इम्पोर्टेंट थी कि घोड़ों के रख रखाव, उनका किस तरीके से साग सज्जा देखी जा रही है, युद्ध में किस तरीके से यूज हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता था। तो रजिया ने इसको अमीरे आखुर के पद पर रखा था। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट जो है कि सिर्फ हसन इसामी ने इनके, रजिया और याकूत के रिलेशन को एक प्रेम संबंध रिलेशन बताया है। इसके बाद कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, इस बात पे ध्यान रखिएगा, ना किसी अदर जो उनके कोर्ट राइटर होते थे, ना उन्होंने में से कोई किसी ने मेंशन किया है कि इनके बीच में ऐसा संबंध रहा है। प्रॉपर जैसे जिस जिस डिपार्टमेंट में जो जो मेंबर रहे हैं उनका जो भी बॉन्डिंग होता था, जो भी रिलेशन होता था, सेम उनका भी ऐसा ही था, लेकिन इसामी ने ऐसा किया था। दूसरी चीज, इसामी के बारे में बात करें तो जो रजिया के विरुद्ध अमीर, ये जो 40 अमीर हैं, अमीर थे, ये विरुद्ध थे रजिया के शासन के। दूसरी चीज, इसामी भी इन्हीं में से एक था, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, रजिया के पास समर्थन था तो सिर्फ दिल्ली की जनता का, दिल्ली की जनता का। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि रजिया के बारे में बताया गया है कि रजिया स्टार्टिंग से जो दिल्ली सल्तनत या अमीरों का जो षड्यंत्र था उस चीज को समझने लगी थी, और दूसरी चीज उन चीजों से बचने की उसने पूरी कोशिश की। और रजिया के शासनकाल में आप देखेंगे कि जहां कहीं भी विद्रोह हो रहा है, ठीक है, रजिया उनका दबा देती थी, उनको उन विद्रोहों को उत्तेजित होने से पहले या भड़कने से पहले ही रजिया उस विद्रोह को दबा देती थी। लेकिन बदायूं, मुल्तान, हासी और लाहौर के जो गवर्नर थे वो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड से ही मतलब विरोध में थे, कि मतलब वो अपने आप को खुद को स्वतंत्र घोषित करना चाहते थे, और रजिया के टाइम पीरियड में वो इसका पूरा विरोध करते हैं और खुद का अलग शासन स्थापित करने की बात करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है रजिया के बारे में अगर हम बात करें तो रजिया 1238 में ख्वारिज्म के सूबेदार हसन कारलुग, जो रजिया से मंगोलों के विरुद्ध सहायता मांगी थी, रजिया ने सहानुभूति प्रकट करते हुए बरन और बरन से, बरन की आय से सहायता देने की बात की थी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और रजिया के टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि 1236 से 1240 का जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम कुछ मतलब दो तीन अमीरों का एक गुट बनता है जो रजिया के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, और उसमें आप देखेंगे कि अल्तुनिया है, और दूसरी चीज मांगबरनी है, आरामसा है जो गद्दी पे बैठता है, तो अल्तुनिया विद्रोह करता है, आरामसा के साथ ही रहते हैं, ये तीन मेंबर बनते हैं, कुबाचा हो गया, ठीक है, कि तीनों का ऑर्गेनाइजेशन बनता है कि वो रजिया को हटाएंगे। और रजिया जब इन विद्रोहों को दमन करने जाती है तो गद्दी पे किसको बैठा दिया जाता है? बहराम शाह को। और रजिया जब अल्तुनिया को ये पता चलता है कि गद्दी पे बहराम शाह बन गया और उसका पत्ता कट गया है, क्योंकि उसको जितना प्रॉफिट मिलने वाला था उतना नहीं मिलने वाला, तो अल्तुनिया ने रजिया से विवाह कर लिया। अल्तुनिया हालांकि रजिया को इससे पहले अपने यहाँ बंदी बना के रखता है अप्रैल से जुलाई तक के टाइम पीरियड में, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब इसको पता चलता है तो इसने 1240 में रजिया से विवाह करता है, और ये दोनों बहराम शाह पे आक्रमण करने के लिए आते हैं, लेकिन बहराम शाह से पराजित होने के बाद इन्हें कैथल के पास, डाकुओं ने खत्म कर दिया। तो इस चीज पे ध्यान रखेंगे कि रजिया की जो मृत्यु हुई वो 1240 में हुई है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि रजिया जितना डिजर्व करती थी,
जिसने उस हिसाब से शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया था उतना उसे प्रॉफिट मतलब उस हिसाब से उसको उतना टाइम नहीं मिला कि जितना वो अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट रही है इस चीज़ में कि रजिया के शासक बनने के टाइम हम देख सकते हैं कि एक औरत का शासक बनना कितना मतलब बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज़ एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ औरतों की जो भूमिका है वो बहुत ना के बराबर रही है, उस टाइम पे अगर कोई महिला शासक बन रही है तो उसे बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो रजिया भारत के इतिहास या मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो पहली और अंतिम महिला सुल्तान रही है। इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, पहली और अंतिम महिला सुल्तान रही है। मुगलों के टाइम पीरियड में भी इस चीज़ पे हम फोकस करें तो जो हमारी जो सूबेदारी थी, ठीक है, सूबेदारी और मनसबदारी जो 3000-5000 की मनसबदारी थी ये कुछ महिलाओं को मिलते थे, लेकिन सुल्तान के पद पर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और उसके उत्तराधिकारियों की बात करें तो बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियार हो गया, मोहम्मद शाह हो गया, फिर बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, इसकी बात कर ले, रफुद्दीन फिरोज की बात कर ले, ये जितने भी रहेंगे कोई फीमेल नाम नहीं है, ठीक है, इस चीज़ की बात कर ले। और अगर हम करंट में अपने मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो अभी तक भारत में सिर्फ एक महिला प्रेसिडेंट है, डॉक्टर प्रतिभा सिंह पाटिल। दूसरी महिला प्रधानमंत्री की बात कर लें तो जो पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात कर लें तो दूसरी हैं इंदिरा, पहली हैं इंदिरा गांधी, दूसरी कोई महिला प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बनी। तो इन दो महिलाओं, दो ही महिलाएं हैं जो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच चुकी हैं। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि ये अभी भी मेंटेन है, या ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है। दूसरी प्रधान जो प्रेसिडेंट है वो इस समय करेंट में द्रौपदी मुर्मू है। तो ये मतलब काफ़ी दिनों बाद जो दूसरी महिला को अपॉर्चुनिटी मिली है जो वहाँ तक प्रेसिडेंट के पद पे पहुँच पाई। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि अभी तक जो हिस्ट्री की बात करें वो तो करेंट के हैं द्रौपदी मुर्मू, जो हिस्ट्री की बात करें जो इससे पहले बीत गया है तो प्रतिभा सिंह पाटिल और इंदिरा गांधी के बाद कोई नाम नहीं मिला है। इस चीज़ पे हमें ध्यान रखना है। अभी करंट में तो हालांकि बहुत सारी अच्छे अच्छे पोस्ट पे या पद पे महिलाओं का स्थान हो गया है तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इसके बाद टाइम पीरियड जो आ रहा है वो बहराम शाह का आ रहा है। और बहराम शाह के बारे में बात कर लें